नगर निगम गुरुग्राम में बढ़ रहा है लगातार भ्रष्टाचार। आवारा पशुओं को पकड़ने के नाम पर दे दिए 70 लाख रुपए, फिर भी हर सड़क पर दिखाई देंगे घूमते हुए आवारा पशु। आरटीआई से मिली जानकारी से हुआ खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। नगर निगम गुरुग्राम में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसमें ठेकेदार और अधिकारियों की 12-25 होने की अच्छी खासी बू आ रही है। गुरुग्राम नगर निगम कभी एक ही काम की दो बार पेमेंट कर देता है, वो भी 50 लाख रुपए, तो कहीं आवारा पशुओं को पकड़ने के नाम पर एक साल में करीब 70 लाख रुपए कैटल केयर सर्विस जैसी एजेंसियों को भुगतान कर देती है। सोहना रोड उपल साउथेंड निवासी आरटीआई कार्यकर्ता जयराम फोगाट ने जनवरी से नवंबर तक आवारा व बेसहारा पशुओं को पकड़ने पर गुरुग्राम नगर निगम द्वारा खर्ची किए गए बजट की आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी थी, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि जनवरी 2021 से 6 दिसंबर तक आवारा पशुओं को पकड़ने पर कैटल केयर सर्विस एजेंसी को करीब 70 लाख रुपए नगर निगम द्वारा भुगतान कर दिया गया, यानी हर महीने करीब 6.5 लाख रुपए आवारा पशुओं को पकड़ने के नाम पर भुगतान किया गया है। इसके बावजूद आपको गुरुग्राम की हर एक सड़क पर आवारा पशुओं का झुंड नजर आ जाएगा। आरटीआई कार्यकर्ता जयराम फोगाट ने इस घोटाले की शिकायत सीएम विंडो पर भी कर दी है। सोहना रोड उपल साउथ एंड, खांडसा रोड, बादशाहपुर, कादीपुर, खिड़की दोला, न्यू कॉलोनी सहित गुरुग्राम में हर जगह आवारा पशु कॉलोनियों के अंदर और मुख्य सड़कों पर घूमते आपको आसानी से नजर आ जाएंगे, जिसकी वजह से हर रोज दुर्घटनाएं भी होती हैं। कई बार तो इन आवारा पशुओं की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि नगर निगम द्वारा रुपयों की बंदरबांट किसके इशारे पर होती है और इस बंदरबांट में किस किस के पास कितना हिस्सा पहुंचता है, इसकी जांच बारीकी से होनी चाहिए। इसके साथ ही गुरुग्राम के जयराम फोगाट जैसे जागरूक निवासी का भी सभी को धन्यवाद करना चाहिए। तहलका हरियाणा फोगाट जी का धन्यवाद करता है और भविष्य में भी ऐसी जानकारी की उम्मीद करता है। हमारी इस न्यूज़ के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, और आप अगर हमारे फेसबुक पेज पर इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि नगर निगम गुरुग्राम की हकीकत और ठेकेदारों के साथ मिलीभगत के अधिकारियों की पोल खोल हो सके। जय हिंद।